হ্যালো এভরিওয়ান, মাইসেলফ প্রশান্ত কুমার ঠাকুর। টুডে আই এম গোয়িং টু টিচ ইউ পার্ট টু অফ দ্য অফ লেসন টু লাইফ উইথ আঙ্কল কেন। আই হ্যাভ টাক ইউ বিফোর পার্ট ওয়ান পেজ নম্বর 11, 10, 11 অ্যান্ড 11 অ্যান্ড 12। ইন পার্ট টু উই উইল রিড পেজ নম্বর 13 অ্যান্ড 14। अंकल के कुड नॉट अंडरस्टैंड अ स्मॉल बॉय। अंकल के जो है छोटे बच्चों को नहीं संभाल सकते थे। दे मेड हिम नर्वस। इससे वह बोलते हैं कि वह उन लोगों को नर्वस करते हैं। आई मेड हिम नर्वस टू। वो मैं भी उसे नर्वस करता हूँ। बट देयर वॉज ओनली वन ऑफ मी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए एक है। एंड देयर वॉज ऑलवेज ग्रैनी टू प्रोटेक्ट। और यहाँ पर ग्रैनी है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। एट पेडक लाल देयर वेयर ओवर 100 स्टूडेंट। और पेडक लाल एकेडमी में लगभग 100 छोटे बच्चे होते हैं। ऑल दो अंकल केन हैड ए ट्रेमेंडस एपेटाइट एंड वेट जस्ट एज मच एज आई डी डू। ही नेवर ब्रेक ग्रैनी डिशेज। हालांकि अंकल केन जो है उनके पास बहुत ज़्यादा भूख होती थी और वह खाना खाते थे जैसा कि मैं भी कर खाता था। लेखक बोल रहा है वह कभी ग्रैनी का प्रशंसा नहीं करता था। आई थिंक दिस इज वाई आई अनॉयड विद हिम एट टाइम्स। और मैं सोचता हूँ इसी कारण से मैं उससे नाराज रखता था। वाई सम टाइम्स आई एंजॉयड मेकिंग हिम फील नर्वस। और उन्हें नर्वस करने में मुझे आनंद आता था। अंकल केन लुक डाउन एट द रोड का his glasses slipping down to the edge of his nose. अंकल केन जो है वह रोस्ट डक भुने हुए डक को देख रहे थे। अपने ग्लास यानी चश्मे को अपने नाक से के पास लाते हुए नीचे की ओर लाते हुए डक अगेन आंट एलन। वह आंट एलन को बोलता है फिर से डक व्हाट डू यू मीन डक अगेन यू हैवंट हैड डक सिंस यू वेयर देयर लास्ट ईयर। तो अंकल उसकी ग्रैनी बोलती है कि क्या मतलब है अगेन डक तुमने पिछले महीने से डक नहीं खाया है। दैट्स व्हाट आई मीन सेड अंकल केन। और वही मैं बोलना चाहता हूँ अंकल केन ने कहा समहाउ वन एक्सपेक्ट मोर वैराइटीज फ्रॉम यू आंट। वह बोलता है अंकल केन कि आंट आपसे और ज़्यादा वैरायटी डिशेस की आशा थी। ऑल द सेम ही टू टू लार्ज हेल्पिंग एंड एट मोस्ट ऑफ द स्टफिंग बिफोर आई कुड गेट एट मी। आई टुक माय रिवेंज बाय पुटिंग ऑल द एप्पल सॉस ऑन टू माय प्लेट। ऑल द सेम और उसी प्रकार से ही टुक लार्ज हेल्पिंग एंड एट मोस्ट ऑफ द स्टफिंग। और अंकल केन ने बहुत सारा स्टफिंग खाया। और लेखक जब स्टफिंग लेता है उससे पहले अंकल केन ने उस स्टफिंग को अपने प्लेट में ले लिया। और लेखक उसकी बदला लेने के लिए उसने एप्पल सॉस को पूरा अपने प्लेट में डाल लिया। अंकल केन न्यू आई लव द स्टफिंग। अंकल केन जानते थे कि लेखक को स्टफिंग पसंद है भरवा जिसको बोला जाता है। एंड आई न्यू ही वॉज क्रेजी अबाउट ग्रैनी एप्पल सॉस। और लेखक भी जानता था कि अंकल केन को एप्पल सॉस बहुत पसंद है। वेन आर यू ज्वाइनिंग योर पेरेंट्स ही आज होपफुली ऑफर पर जाएगा। और अंकल केन ने पूछा कि तुम अपने माता पिता के पास कब जा रहे हो। लेखक से आई मे नॉट गो टू दैम दिस ईयर आई से। लेखक बोलता है कि इस साल मैं उनके पास नहीं जाऊँगा। When are you getting another job, uncle? तब वो अंकल केन से पूछता है कि आप दूसरा कार्य कब या दूसरा जॉब कब ढूंढ रहे हो। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग ए ब्रेक फॉर ए कपल ऑफ मंथ। तो अंकल केन बोलते हैं कि मैं 2 महीने का ब्रेक लेना चाहता हूँ। आई एंजॉय हेल्पिंग ग्रैनी आया भी दवासी लॉ। और मैं घर के कामकाज में ग्रैनी और आया का मदद करना चाहता हूँ। व्हाइल वी वेयर एट वर्क जब हम लोग काम में होते हैं अंकल केन उठे के साइस्टा
on the veranda or switch on the radio to listen to dance music. जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, अंकल केन जो है वह छपकी ले रहे होते हैं बरंडा में और रेडियो में डांस म्यूजिक सुन रहे होते हैं. ग्लेन मिलर एंड हिज स्विंग बैंड वाज ऑल द रेज देन. तब पैशन था, क्रेज था ग्लेन मिलर का, उसी का गाना अंकल केन सुन रहे थे. एंड हाउ डू यू लाइक योर अंकल केन, आस्क ग्रैनी वन डे. ग्रैनी एक दिन लेटर से पूछती है, तुम उन्हें अंकल केन कैसे रखते हैं. एज शी इंपटाइड द बॉन्स फ्रॉम हिज प्लेट इन टू द डॉग्स पाउच. और तब वह हड्डियों को उसके प्लेट से कुत्ते के कटोरे में रख रही थी. आई विश ही वाज समवन एज अंकल, आई से. लेखक बोलता है कि मेरा मानना है कि वह किसी और के अंकल हैं. He is not so bad, really just a sentry. वह इतने बुरे नहीं है. वह सिर्फ एसेंट्रिक है, यानी क्रेजी है. ओह जस्ट ए लिटिल क्रेजी, सिर्फ थोड़ा सा पागल. एटलीस्ट क्रेजी रन अराउंड द हाउस, ऐसे लेखक यहाँ कुत्ते को दिखाते हुए बोलता है कि क्रेजी जो है घर के चारों घूमता है. आई हैव नेवर सीन अंकल केन रनिंग, तो मैं कभी अंकल केन को दौड़ते हुए नहीं देखा. बट आई डिड वन डे, लेकिन मैंने एक दिन देखा. मोहन एंड आई वेर प्लेइंग मार्बल इन द सेट ऑफ द मैंगो ग्रुप व्हेन वी वेर टेकन अबैक by the sight of Uncle K charging across the compound, pursuing by swarms of bees. और जब मोहन और लेखक मार्बल को कंचे खेल रहे थे आम के पेड़ के छाव में, तब उन्होंने देखा कि अंकल के जो है वह दौड़ते हुए कंपाउंड की ओर आ रहे हैं और वह मधुमक्खियों से बचते हुए आ रहे थे. मधुमक्खियों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था. ही हैड बीन स्मोकिंग ए सिगार अंडर ए सिल्क कॉटन ट्री. वह सिगार पी रहे थे एक सिल्क कॉटन ट्री के पास और उसका धुआं जो है उन्होंने जंगली मधुमक्खियों को डिस्टर्ब किया, परेशान किया और अंकल केन के पीछे वे पड़ गए. अंकल केन फ्लेड इनडोर एंड लेफ्ट इनटू ए टब ऑफ कोल्ड वाटर. अंकल केन जो है वह घर के अंदर गए और एक ठंडे पानी के टब में कूद पड़े. ही हैड रिसीव्ड ए फ्यू स्टिंग, उन्हें मधुमक्खियों का डंक लगा था. एंड डिसाइडेड टू रिमेन इन बेड फॉर 3 days. और उन्होंने यह फैसला किया कि वह 3 दिन तक बेड में रहे. आया टू हिज मील टू हिज हिम ऑन ए ट्रे. आया जो है उसका भोजन एक ट्रे में उसके पास पहुंचाती थी. आई डिडंट नो अंकल केन टू रन सो फास्ट. I said later that day. मैं नहीं जानता था कि अंकल केन भी इतना तेज दौड़ते. इट्स नेचर्स वे ऑफ कंपेंसेटिंग, सेड ग्रैनी. तो दादी ने कहा कि यह नेचर के द्वारा बदला है. वाज कंपेंसेटिंग, कैसा बदला. मेकिंग अप फॉर थिंग्स ना, एटलीस्ट अंकल केन नोज द अब अंकल केन को यह पता चल गया कि वह दौड़ सकते. येट दैट वंडरफुल, क्या यह अच्छा नहीं है. इट्स हाई टाइम यू फाउंड ए जॉब, सेड ग्रैनी टू अंकल केन वन डे. अंकल केन से ग्रैनी एक दिन बोलती है कि बहुत लंबा समय हो गया है तुम्हें जॉब मिले. देर आर नो जॉब इन देहरा, कंप्लेंट अंकल केन. अंकल केन बोलते हैं कि देहरादून में कोई भी जॉब नहीं है. हाउ कैन यू के यू हैव नेवर लुक्ड फॉर वन, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो तुमने कभी ढूंढा ही नहीं. एंड एनी वे यू डोंट हैव टू स्टे हेयर फॉरएवर, और तुम यहाँ पर हमेशा नहीं रहोगे. योर सिस्टर एमिली इज हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल इन लखनऊ. तुम्हारी बहन एमिली जो है वह अपना अध्यापिका है लखनऊ में.
यू वुड गो टू हर, तुम उसके पास जा सकते हो। शी सेड बिफोर, उसने पहले कहा था, शी वाज रेडी टू पुट यू इन चार्ज ऑफ डॉर्मिटरी, कि तुम्हें छात्रावास का इंचार्ज बना दिया जाए। वाह, सेड अंकल केन, अंकल केन ने कहा, ऑनेस्टली आंट, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू लुक आफ्टर ए डॉर्मिटरी सीटिंग विद 40 और 50 डिमेंटेड स्मॉल बॉयज। वह बोलता है कि आप मुझसे यह आशा करते हैं कि मैं डॉर्मिट्री यानी छात्रावास में उन बावले लड़कों को संभाल सकता हूँ। व्हाट डिमांडेड, क्या बावला हो। आई सेड शट अप, सेड अंकल के, अंकल के ने कहा, चुप रहो, लेखक जब बोलता है। इट मीन्स क्रेजी, सेड ग्रेनी, ग्रेनी बोलती है कि यह क्रेज, इसका मतलब क्रेजी यानी कुत्ता। सो मैनी वर्ड मीन क्रेजी, बहुत सारे वर्डों का मतलब क्रेजी होता है। कंप्लेंट, व्हाई डोंट वी जस्ट से क्रेजी, हम लोग क्यों सिर्फ इसको क्रेजी बोल रहे हैं। वी हैव ए क्रेजी डॉग, और हम लोग के पास एक क्रेजी कुत्ता है। एंड नाउ अंकल केन इज क्रेजी टू, और अब अंकल केन भी क्रेजी हो चुके हैं। अंकल केन क्लिप्ड मी ओवर माय ईयर, अंकल केन जो है लेखक के कान को पकड़ता है। एंड ग्रेनी से, और ग्रेनी बोलती है, योर अंकल इजंट क्रेजी, तुम्हारे अंकल पागल नहीं है। सो डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल, तो उन्हें उनका अपमान मत करो। ही इज जस्ट क्रेजी, वह सिर्फ आलसी। नाउ योर चैप्टर 2 इज फिनिश्ड।